नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रेम और आप देख रहे हैं टेक तथा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट प्लेजरिज्म टूल इन 2020। जैसे कि आपको पता रहेगा कि प्लेजरिज्म टूल जो होते हैं वो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए होते हैं, ताकि आपका कंटेंट कितना यूनिक है, आपने जो आर्टिकल लिखा है वो कितना यूनिक है, कोई उससे रिलेटेड आर्टिकल या सिमिलर आर्टिकल है या नहीं इंटरनेट पर भी वो बताता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, एक टूल था प्लेजरिज्म टूल क्यूटेक्स करके, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि वो कितना परसेंट एक्यूरेसी आपको बता रहा है, कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए वो बताया था। बट आज मैंने थोड़े अलग जो टूल्स थे उनको भी कंपेयर किया मेरे पुराने टूल्स के साथ, और उसमें से मैंने बताया कि कौन सा एक टूल जो बेस्ट रहेगा आप यूज़ कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बिकॉज मैंने कई सारे लोगों को कमेंट करते हुए देखा था कि भाई कौन सा प्लेजरिज्म टूल बेस्ट है, कौन सा मैं परचेस करूँ, ये करूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था विथ प्रो वर्जन्स ऑफ प्लेजरिज्म वो काफ़ी ख़राब था। और रिसेंटली भी मैंने और एक पेड टेस्ट किया था प्लेजरिज्म टूल, और उसके भी रिजल्ट मुझे काफ़ी एक्यूरेट नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और वहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कुछ बेस्ट प्लेजरिज्म टूल को, और उसमें से जो बेस्ट प्लेजरिज्म टूल है जिनको आप यूज कर सकते हो 2020 में, वो आप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सीधा मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ प्लेजरिज्म टूल वेबसाइट मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है जो बेस्ट है मेरे हिसाब से और जो बिल्कुल फ्री है। इसमें कुछ वेबसाइट मैंने एक्सक्लूड की है, जैसे कि प्लेजरिज्म एक्स हो गया, बिकॉज प्लेजरिज्म एक्स काफ़ी पॉपुलर है और वो जिस फ्री वर्जन में आपको लिमिट देता है 150 वर्ड्स की, तो 150 वर्ड्स ही आप सर्च कर पाओगे, और कोई भी आर्टिकल अगर आप लिखते हो आपके वेबसाइट के लिए तो मिनिमम 500 वर्ड्स का रहेगा। तो इसीलिए मैं उस टूल को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ और कई टूल हैं जो लिमिट आपको लगा देते हैं, जैसे कि आप दो ही बार चेक कर सकते हो दिन में, कुछ 500 वर्ड्स के हैं और कुछ लॉगिन करने के लिए बोलते हैं, वो टूल मैंने एक्सक्लूड कर दिए, बिकॉज वो टूल मोस्टली आपको पेड वर्जन लेने के लिए कहेंगे, इसलिए मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो अभी मेरे पास, जैसे कि आप पहले देखते हो स्क्रीन के ऊपर, डुपली चेकर है, और ये है ग्रामरली। ग्रामरली जो है ये पेड टूल है मेरा, इसमें मैं एज ए ग्रामर के लिए यूज़ करता हूँ। साथ ही साथ ये है स्मॉल टू SEO टूल्स, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी कंपेयर किया था क्यूटेक्स के साथ। और उसके साथ ये है प्लेजरिज्म डिटेक्टर, ये भी काफ़ी वेल नोन है। और एक पांचवा जो टूल है मेरे साथ वो है प्लेजरिज्मा। तो ये टूल को हम कंपेयर करेंगे, इसमें आप फ्री में चेक कर सकते हो, तो इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा सबसे एक्यूरेट आपको दिखाता है, ये हम अभी लाइव टेस्टिंग करेंगे यहाँ पे। और मैं एक आर्टिकल देता हूँ यहाँ पे, इजाइन आर्टिकल से एक आर्टिकल मैंने सिलेक्ट करके रखा है, उसको मैं कॉपी कर देता हूँ। अभी मैं ग्रामरली में उसको पेस्ट कर दूंगा, ओके, और हम इसका प्लेजरिज्म चेक करने के लिए बोल देंगे। उसके साथ सेम आर्टिकल यहाँ पे भी यूज़ कर देता हूँ मैं, 531 वर्ड्स का आर्टिकल है, चेक प्लेजरिज्म बोल देता हूँ। तो अभी ये मुझे पूछ रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मली तब पूछता है जब आप मल्टीपल सर्च करते हो दिन में, या एक सेशन में आप मल्टीपल सर्चेस करते हो तो आपको ये कैप्चर पूछता है। प्लेजरिज्म डिटेक्टर प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे आपको 1000 वर्ड्स की लिमिट मिल जाती है, जैसे आपको डुप्ली चेकर और स्मॉल SEO टूल्स में मिलती है। उसके बाद प्लेजरिज्मा, इसमें हम पेस्ट कर देंगे, डिजाइन आर्टिकल से आर्टिकल इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो आर्टिकल पहले से ही वहाँ पे अवेलेबल है। आर्टिकल का डेट देखते हैं,
देखिए काफी पुराना आर्टिकल है, अप्रैल 8 2009 का आर्टिकल है, सॉरी बेग पार्डन, ये आर्टिकल है 17 फरवरी का 2020 का, ये यूजर का 17 फरवरी का ये आर्टिकल है, तो अभी ज्यादा पुराना नहीं है, वन एंड हाफ मंथ ओल्ड आर्टिकल है। तो वो आर्टिकल चेक करना चैलेंजिंग रहेगा प्लेजरिज्म टूल के लिए, तो वो हम देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए ग्रामरली ने मुझे बताया कि ये 100% ओरिजिनल है, और आप जानते हो ये आर्टिकल का सोर्स डिजाइन आर्टिकल से लिया हुआ है, ये देखिए, और फिर भी ग्रामरली मुझे बता रहा है कि ये 100% ओरिजिनल कंटेंट है। एक बार फिर मैं उसको सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर से मुझे वही बताया क्या कि 100% ओरिजिनल है। सेकंड टूल जो है उसके पहले डुप्ली चेकर नहीं स्टार्ट हुआ, डुप्ली चेकर को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आर्टिकल पेस्ट कर देता हूँ, तो 531 का आर्टिकल है, चेक प्लेजरिज्म बोल देता हूँ, यहाँ पे भी स्टार्ट है। ओके, तो रिजल्ट आ गए हैं, अभी देखते हैं। ग्रामरली का तो हमने देखा 100% यूनिक बता रहा है, प्लेजरिज्म नहीं है, ओरिजिनल आर्टिकल, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ग्रामरली सिर्फ प्लेजरिज्म के लिए ले रहे हो तो भाई मत लो, बिकॉज मैंने ये पहली बार नहीं है, मैंने कई बार चेक किया है कि ये गलत बता रहा है। अगर आप पेड वर्जन लेते हो, ग्रामरली का एक फ्री टूल आता है जिसको आप गूगल में सर्च कर सकते हो, हम दूसरा ब्राउजर खोलेंगे उसके लिए, और वहां पे आप सर्च करो ग्रामरली प्लेजरिज्म चेकर, ये आप ओपन कीजिए, तो ये आपको डिटेल्स में नहीं बताएगा कि कितना है, जस्ट आपको ये बताएगा कि कितना परसेंट प्लेजरिज्म है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी प्लेजरिज्म वॉज नॉट डिटेक्टेड, ग्रीन सिंबल आया है, जैसा कि आप देख सकते हो ये ग्रीन सिंबल आया है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी बता रहा है कि इसमें प्लेजरिज्म नहीं है। हालांकि इसमें आर्टिकल हमने जो सोर्स किया है वो डिजाइन आर्टिकल से है, और स्मॉल एसईओ टूल्स के रिजल्ट देखिए 85% प्लेजराइज बता रहा है, 15% यूनिक टेक्स्ट है इसमें, तो ये काफ़ी हद तक सही है बताया इसने, सबसे अभी तक का हाईएस्ट रिजल्ट बताया है, बिकॉज ये 100% प्लेजराइज होना चाहिए, बट 85 इसने दिखाया है, मतलब ये ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। प्लेजरिज्म चेकर डॉट प्लेजरिज्म डिटेक्टर पे हम आते हैं, वहाँ पे भी हमें 85% जितना स्मॉल एसईओ टूल्स ने बताया उतना ही बता रहा है। देखिए ये सारा जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो सब प्लेजराइज्ड है। उसके बाद हम चेक करेंगे प्लेजरिज्मा पे, तो प्लेजरिज्मा बता रहे हैं ओनली 4% यूनिक, मतलब 96% आर्टिकल प्लेजराइज्ड है, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट अभी बताया है प्लेजरिज्मा ने, 4% यूनिक आर्टिकल है खाली, 96% आर्टिकल प्लेजराइज्ड है। तो अभी चलते हैं हम डुप्ली चेकर के ऊपर, ये देखिए यहाँ पे 100% प्लेजराइज बताया डुप्ली चेकर ने, और भाई इसीलिए मैं डुप्ली चेकर रेकमेंड करता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था मेरे कि अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो डुप्ली चेकर यूज़ करो आपका प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, आपका आर्टिकल यूनिक है या नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट दिखाया है देखिए प्लेजरिज्म, और ये 100% ही होना चाहिए, बिकॉज पूरे का पूरा आर्टिकल हमने उठाया था, हमने उसमें कुछ एडिट नहीं किया था, कुछ टाइप नहीं किया था, जैसा आर्टिकल डिजाइन आर्टिकल पे है वैसा ही सेम कॉपी करके हमने जितने भी हमारे 5 प्लेजरिज्म टूल हमने सिलेक्ट किए थे उनमें हमने उसको टेस्ट करने के लिए दिया था। तो ग्रामरली ने तो 0 बताया, प्लेजरिज्म है ही नहीं। स्मॉल एसईओ टूल्स ने 85% बताया, गुड जॉब स्मॉल टूल एसईओ, उन्होंने काफ़ी हद तक सही बताया, मुझे जितने भी रिजल्ट आज तक मिले हैं स्मॉल टूल एसईओ से काफ़ी अच्छे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। तो 1000 वर्ड चेक करता है ये, उसके साथ ये प्लेजरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट उसने भी सेम टू सेम स्मॉल एसईओ टूल जितना ही बताया,
बट नंबर दो पे जो था वो था plagiarisma.net. तो plagiarisma.net पे आप चेक कर सकते हो, खाली मुझे 4% यूनिक बताया, 96% आर्टिकल प्लेजराइज बताया. बट सबसे जो एक्यूरेट था, 100% एक्यूरेट था, जिसको बोल सकते हैं, वो है टूपली चेकर. तो भाई अगर आप प्लेजरिज्म टूल खरीदना चाहते हो तो भाई मत खरीदो, पैसा वेस्ट मत करो. डुप्ली चेकर बहुत बढ़िया है. नॉर्मली जो आर्टिकल रहता है वो 1000 words का ही रहेगा. 1000 words, अगर मान लो आप कोई आर्टिकल लिखते हो 2000-3000 words का, भाई 3 बार चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डुप्ली चेकर में मल्टीपल टाइम चेक कर सकते हो, तो वो इशू बिल्कुल भी नहीं है. आप 1000-1000 words 3 बार चेक कर सकते हो अगर आपका आर्टिकल 3000 words का है. तो बहुत सिंपल था ये. एक ही आर्टिकल हमने लेके पांचों टूल में चेक किया तो पता चला कि कौन सा बेस्ट है. और मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ डुप्ली चेकर को, और उसके साथ में यूज़ करता हूँ स्मॉल SEO टूल को भी. तो आप ये चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल टूल, SEO, बट एक्यूरेसी आपको 100% नहीं है. प्लेजरिज्म डिटेक्टर पे भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, और प्लेजरिज्मा पे भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिल रही है. तो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप डुप्ली चेकर ही यूज़ करिए. तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. जाने से पहले यार सब्सक्राइब बट रेड बटन को सब्सक्राइब कर देना और ग्रे कर देना उसको, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले. तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों.